दिवस है, किसानों के मसीहा और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माननीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी और दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज की संध्या के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपा ज्योतिर नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धार्थम सर्व कार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी का स्वागत करने के लिए परियोजना निदेशक जी से ये निवेदन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अति आदर के साथ माननीय डॉक्टर जनरल वी के सिंह जी से निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। का निर्माण और जनपद शामली में मेरठ करनाल मार्ग से पानीपत खटीमा मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास का निर्माण, बहुत बहुत आभार माननीय। लघु फिल्म एक है जो कि विकास और निर्माण से और इन दोनों तीनों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोरदार ताली बजा करके माननीय नितिन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कि मैं नक्शे में जानता हूँ मेरठ क्या है, मुजफ्फरनगर क्या है, हरिद्वार क्या है, गलती से दो चार साल में एक आधे बार आता हूँ तो मुझे कम जानकारी है। और आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, दिल्ली से डेहराडून एक्सप्रेसवे को आपका गंगा एक्सप्रेसवे को आपको कनेक्शन चाहिए, मुझे मंजूर कर दिया, मैंने भारत माला में डाल दिया। फिर NH 709 AD पिन्ना कट से वहलना चौक 10 किलोमीटर ब्रिज वगैरह अंदर है, 250 करोड़ रुपए DPR कंप्लीट हो गया। अब दिसंबर खत्म हो जाए, अगले साल में ये काम शुरू हो जाएगा, ये भी मैं मंजूर कर देता हूँ। हमारे संजीव जी ने न्यू NH की घोषणा मुजफ्फरनगर चरथावत मानलावन रोड, ये अभी हमारी गति शक्ति और भारतमाला 2 का प्रपोजल चल रहा है, मैं निश्चित रूप में इसमें डालने की कोशिश करूंगा। और श्री राणा ने जी राणा साहब ने शुक्रताल से थाना भवन करनाल ये न्यू NH की बात देखिए, ये दोनों को भी मैं भारत माला में डालूंगा ऐसा विश्वास देता हूँ। और बाकी कोई 2-4 हज़ार करोड़ का चिल्लर काम होगा तो मेरे पास आ जाना, मैं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैंने कल भाषण में कहा था द्रौपदी की थाली थी, कितने भी लोग खाना खाओ खाना आता ही था। वैसे मैं कभी पैसा का मैं नहीं बोलता हूँ, लाखों करोड़ में बात करता हूँ। ये पत्रकार मुझे एक समय एक्सपोज नहीं कर सकते, जो बोलता हूं वो हर चीज होके होती है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम करने वालों की कमी है। मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए हैं पर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गडकरी साहब के घर पे जाना पड़ा, ये कहने वाला आपको ये भी नहीं मिल सकता, ये हमारी सरकार की विश्वसनीयता। और इसलिए बहनों और भाइयों, निश्चित रूप से रास्तों में हापुड़ बाईपास 6 लेन 3100 करोड़ फरवरी 2022 को पूरा होगा। शामली सहारनपुर 4 लेन 63 किलोमीटर 808 करोड़ फरवरी 2022 में पूरा होगा। शामली मुजफ्फरनगर 43 किलोमीटर 4 लेन सड़क 1700 करोड़ अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। शामली पानीपत से 4 लेन 36 किलोमीटर 1300 करोड़ सितंबर 2022 में पूरा होगा। शामली रिंग रोड 8 किलोमीटर 320 करोड़ टेंडर प्रक्रिया में तुरंत काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरनगर रुड़की 22.75 किलोमीटर 102 करोड़ कार्य पूरा हुआ। सहारनपुर रुड़की हरिद्वार 76.5 किलोमीटर 3600 करोड़ कार्य पूरा हो गया।
रामपुर रुद्रपुर 43.5 किलोमीटर 1380 करोड़ मार्च 2022 में पूरा होगा। चार लेन सड़क का कार्य नगीना हरिद्वार चार लेन सड़क का निर्माण 42 किलोमीटर 800 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा। और बिजनौर कोतवाली टू लेन प्योर शोल्डर सड़क 22 किलोमीटर 300 करोड़ मई 2023 में पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये रोड के विकास से यहाँ का विकास होगा। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की बात अक्सर लोगों को बताता हूँ कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अगर उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा, किसानों का उत्पादन शहर की तरफ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कृषि विकास का दर बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम होगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कभी कभी कहता था कि रिच स्टेट विथ ए पुअर पॉपुलेशन, राज्य धनवान है पर जनता गरीब है, पर आपके आशीर्वाद से धनवान उत्तर प्रदेश की जनता भी धनवान बनेगी। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभेच्छाएं हमारे साथ रहेगी तो हम निश्चित रूप से आपके सपने को पूरा करके देंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से गन्ने उत्पादक किसानों का ये कैपिटल है, तो संजीव जी आप और राणा जी मिलकर इस कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के नए वेस्टर्न यूपी को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केवल दिए। दिल्ली से मेरठ का आज मैंने लोकार्पण किया, पहली बार पिछले बार आया था। संजीव जी आपको याद होगा यहाँ कोई होटल में आपने मुझे चाय पिलाया था, मेरी पत्नी और बच्चे थे बहुत तंग, ये सामने मस्जिद के कारण काम बंद था, वो भी मुझे याद है। तब मैं ऐसा मेरठ का रोड बेकार था, आज मैं आया मेरी तबीयत खुश हो गई कि आपको इतना अच्छा रोड मिला, मैं बहुत खुश हूँ। पहले 4 घंटे लगते थे, अब कोई बोलता 40 मिनट 45 मिनट मेरठ से आते। मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना था 95 में, जवान था, मैं बोलता था मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला मैंने बनाया था। आप मुंबई में जाते हो तो समुंदर में मैंने वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, 55 उड्डानपुर मुंबई में बनाया। तो मैं बताता मुंबई और पुणे 8 घंटे लगते हैं, मैं 2 घंटे में लाऊंगा। तो पेपर वालों ने एडिटोरियल लिखा मेरे ऊपर कि ये गडकरी झूठ बोलता है, ये 2 घंटे की बात कर रहा है, ये कभी नहीं होने वाला। आज मुंबई से पुणे 2 घंटे में होता है। और मैं आज आपको वचन देता हूं, मैं नया रोड बना रहा हूं डेहराडून और हरिद्वार के लिए, काम शुरू हो गया। दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मेरे पत्रकार भाइयों मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, और आज से 2 साल के अंदर ये सब रोड नहीं मिलेंगे तो मेरे नाम पर ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, कोई चिंता नहीं। मैं झूठी बात नहीं करता हूं, जो आपके सामने बताऊंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाऊंगा। और इसलिए मैंने योगी जी को कल कहा था कि आपका इंजन डबल इंजन ऐसे ही रखेगी जनता, तो पहले 5 साल में मैंने अभी 4 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश को दिए हैं, अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ रुपए दूंगा और उत्तर प्रदेश के रोड को मैं अमेरिका जैसे बना कर दूंगा, अमेरिका के समान बना के दूंगा, ये मेरा वचन है। अभी संजू बालन जी ने कुछ मांगे की थी, 5 साल में होगा 25 लाख करोड़ का। अगर ये 25 लाख करोड़ अगर मुजफ्फरनगर के किसानों के जेब में जाएंगे तो तुम गरीब रहोगे क्या? यहाँ के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? देश का पैसा बचेगा,
और ये पूरा 25 लाख करोड़ बचते हुए किसानों के जेब में जाएगा, गांव समृद्ध संपन्न होंगे और चौधरी चरण सिंह साहब का सपना पूरा होगा। मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको किसी को डाउट होगा मेरे साथ आओ, मैं सब खुद प्रयोग करता हूं, मेरे पास सब है। आप बोल रहे थे 1 करोड़, मैं 4 करोड़ लीटर इथेनॉल मैं देता हूं, मैं तैयार करता हूं, और मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मैंने एक बार कहा था हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट चलती है, तो ऐसे ही मेरे पास विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो हमारे MP MLA आए मेरे को बोले बंद हुए कारखाने तुम चालू करो। मैंने कारखाने ले लिए और किसानों के भावना के भावना और व्यवहार का संबंध नहीं था, कारखाना लेना गलती थी। तो मैंने एक बार भाषण में कहा कि पिछले जन्म में साला कुछ ना कुछ पाप किया होगा, इसलिए शुगर फैक्ट्री मेरे गले गले फैक्ट्री। सब BJP के कार्यकर्ता डायरेक्टर है, उन्हें अपने घरदार गिरवी रख के कर्जे लिए, और अब इस साल ब्राजील में कुछ गड़बड़ हुई, इसलिए दिन अच्छा है। ये तो हर साल 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ का घाटा था, पर हम लोग बायो इथेनॉल ग्रीन हाइड्रोजन में बिजली तैयार करता हूं। तुम्हारे मुजफ्फरनगर जिले को जितनी बिजली लगती होंगी उतनी मैं तैयार करता हूं। अब बिजली तैयार करो, पेट्रोल डीजल का पर्याय दो, और इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से करो। और बहनों और भाइयों, ये तो किसानों की बात मैंने की, रोड के लिए तो मैं अभी बता रहा था कि मैं फोकनाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब बातें खुद अपनी चलाता हूं और करता हूं तब बात कर रहा हूं। मेरे पास आ जाना, मेरा देश का पहला ट्रैक्टर, शायद उस दिन आप थे, जनरल VK सिंह साहब थे, रूपाला जी थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, पेट्रोलियम मंत्री, मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर 5 टन परली से 1 टन बायो LNG या बायो CNG तैयार होता है, और मेरा एक ट्रैक्टर चल रहा है 1.25 लाख रुपए डीजल की तुलना में मेरी बचत हुई है। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। अगर ये 1.25 लाख रुपए अगर बच जाएंगे एक ट्रैक्टर के पीछे तो आपका फायदा होगा। तो आपको आह्वान है सबको कि आपके यहाँ के ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी मेरी, मैं फुकट का कंसल्टेंट हूं, मेरे पास आना, आप बायो LNG के प्लान डाल देना, परली जलाना नहीं, पोल्यूशन करना नहीं, और दिल्ली वालों की नींद हराम करना नहीं, और उल्टा परली से CNG बनाओ, ट्रैक्टर चलाओ, ट्रक चलाओ, कार चलाओ, ये प्रूवन है। और आखिरी की बात जो है वो मैं कहना चाहता हूं, ग्रीन हाइड्रोजन, आपको मालूम है पानी को क्या बोलते हैं, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जगह आता है तो पानी बनता है। अब ये ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं, मैं आप सबको निमंत्रित कर रहा हूं, जनवरी के फर्स्ट वीक में मैंने टोयोटो कंपनी की एक पायलट प्रोजेक्ट करके ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार लाई है, मैं उद्घाटन के लिए आपको सबको बुलाऊंगा, और उस कार से आपको मुजफ्फरनगर तक गाड़ी में पहुंचा दूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन, अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन पर अब ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, रेलवे चलेगी, स्टील प्लांट चलेंगे, केमिकल फैक्ट्री चलेगी, सीमेंट फैक्ट्री चलेगी, कोयले का उपयोग नहीं होगा। और प्रधानमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है 3,000 करोड़ का, बस। और मैं अब हमारे पुरी साहब को मैंने ऑलरेडी चर्चा हुई है, मेरे यहाँ फिर मीटिंग होने वाली है, आपको मैं बताता हूँ, मेरे शहर में जहाँ का मैं सांसद हूँ, जो लोगों का टॉयलेट का पानी था सीवेज वाटर, वो हमने बेच दिया, 7 साल से बेच रहा हूँ टॉयलेट का पानी, कितने पैसे मिलते होंगे आप बताइए। मैं मेरे शहर का टॉयलेट का पानी बेचकर महाराष्ट्र सरकार के बिजली बोर्ड को 325 करोड़ रुपए साल के कमाता हूं, 325 करोड़। तो आओ देखने के लिए आओ। अब ये मुजफ्फरनगर में भी होगा टॉयलेट का पानी, तो मेरे आइडिया ले लो। और अब मैंने ये तय किया कि ऐसा रूफटॉप सोलर बनेगा, और जो शहर का जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करने के लिए ये रूफटॉप सोलर बनेगा, जिसमें प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और ऑर्गेनिक वेस्ट अलग निकालेंगे।
और वो जो सोलर पावर होगी उससे जो गंदा पानी होगा, फुकट पानी फुकट बिजली फुकट, और उससे इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। अब तुम तो इंजीनियर हो, मैं 10 तारीख को बेंगलोर जा रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रोलाइजर करने वाली जो कंपनी है वो अमेरिका में अपना 90% इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट कर रही है। अब मुजफ्फरनगर में इलेक्ट्रोलाइजर की फैक्ट्री डालो और यहां से जो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा उसके ऊपर कार चलेगी। जो किसान है, जो आपका क्या बोलते हैं बगास को, क्या बोलते हैं कोई, आपका जितना एग्रो वेस्ट है, बायोमास ऑर्गेनिक वेस्ट, इससे एक हाइड्रोजन तैयार होगा। कोई भी केमिस्ट्री वाला को जानता है, वो बायोडाइजेस्टर में डालकर गंदा पानी डालेगा तो मीथेन निकालता है, मीथेन से CO2 अलग किया तो बायो एलएनजी निकलता है। अब उसी से मीथेन से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और हर गांव में किसान ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके उसके ऊपर गाड़ियां चलेगी। चीनी पिछले 2 साल पहले हमने जब एक्सपोर्ट की तो हमने 6,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी, तब चीनी हम लोग करीब 50 लाख टन हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए। 6 रुपए किलो हमने सब्सिडी दी, पिछले साल हमने 4 रुपए दी, पर इस साल भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर अच्छा रहा है कि ब्राजील में गन्ना उत्पादक किसानों की हालत ठीक न होने के कारण हमारा थोड़ा भविष्य बदल गया है। ब्राजील में जो चीनी तैयार थी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गन्ना कहीं लगता है तो ब्राजील में लगता है, और ब्राजील में चीनी का भाव है 22 रुपए किलो और हमारे देश में मिनिमम प्राइस है 31 रुपए 32 रुपए किलो। तो हमारी चीनी एक्सपोर्ट ही नहीं होती और गन्ना लग रहा है, और गन्ना लगाने को हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि गन्ने में कमाई है। गन्ना लगाओ, पानी दो। अभी मैंने 4 दिन पहले मेरे यहां 15 किसानों का सत्कार किया, और वो किसानों का सत्कार इसलिए किया कि 1 एकड़ में उन्होंने 106 टन 160 टन 108 टन 105 टन गन्ना 1 एकड़ में निकाला। अब हमारे यहां पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली, सातारा में 125-150 टन एकड़ में, आप क्विंटल में बात करते हैं तो वहां आपके यहां जो होता है गन्ना वो क्विंटल में आप गिनते हैं 10 क्विंटल यानी 1 टन होता है। तो हमारे यहां 140 टन तक गन्ना किसानों ने किया है। और मैं जब लखनऊ के सेंटर में आया था, साई साहब थे, तब मैंने उनको कहा था कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में जाओ और गन्ने की जात को बदलो। आज मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जो 9.5% चीनी का उतारा था वो अब 11% तक पहुंच गया है और प्रगति हुई है, उत्पादन भी बढ़ा है। पर ये डिमांड एंड सप्लाई के रेशो में अब शुगर ज्यादा हो गई उत्पादन में और हिंदुस्तान में खपत कम है, एक्सपोर्ट हो नहीं सकती क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में चीनी के भाव हमसे कम है। अब गन्ना उत्पादकों के किसानों को भी गन्ने का भाव मिलना चाहिए, हर सरकार भाव बढ़ाती है। अब राजनीति में रहना तो ये करना ही पड़ता है, नहीं तो गन्ना उत्पादक किसानों ने अगर गन्ने का धंधा दिखाया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। अब ये ऐसे बढ़ते जाएगा तो ये इकोनॉमिक्स कैसे होगा? आदमी सब चीजों के नाटक कर सकता है पर पैसे का नाटक करना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए हमारे देश में कमी है तेल बिया की। क्या करते हैं क्योंकि मैं उस कमेटी में हूं और किसानों के हितों की रक्षा करता हूं। हमारे मलेशिया से पाम ऑयल आता था, हमने मुझे पीछे लगकर झगड़ा कर करके उसको हमने ड्यूटी बढ़ा दी ताकि हमारे सरसों सोयाबीन फल्ली इनको अच्छी कीमत मिले। आज भी देश में 90,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात हो रहा है। केवल खाद्य तेल में हम कमी है तो हमें हमारा क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। इस बार सरसों में हमारे भारत के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने GM के बारे में सरसों के सीड में काफी परिवर्तन किया है। अब GM सीड को लेकर भी बड़े विवाद है पर उसके कारण उत्पादन बढ़ा। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, सरसों काफी अच्छी लग रही थी, तो सरसों का उत्पादन बढ़ाना होगा। और गन्ने का उत्पादन मैं बोलूं, गन्ना लगाओ मत लगाओ मेरी सुनने वाले नहीं, आप तो लगाने वाले हो क्योंकि गन्ने में पैसा है। और गन्ना तैयार होने के बाद ये हमारे संजीव जी है, राणा जी है,
इनके छाती पर रगड़ने वाले हो कि मेरे भाव दो, नहीं तो देखो ये चिल्लाते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। और इसलिए आज स्वाभाविक है, और इसलिए 2004 में मैंने एक बात कही थी जिसका उल्लेख अभी 2012 की बात को लेकर मेरा भाषण आप निकाल लेना संजीव जी, मैं जो बोल रहा था वही बात आज सिद्ध हुई है। मैंने वही कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। इस देश में हमें केवल अब अन्नदाता नहीं बनना है, ऊर्जादाता बनना है, बिजली तैयार करना है और पेट्रोल डीजल का विकल्प देना है। अब हमारे देश में पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है, आयात है, वो 8,00,000 करोड़ रुपए की है। हमारे देश का, भारतीयों का पैसा दुनिया के बाहर, दुनिया के देशों में जाता है क्योंकि पेट्रोल डीजल हमारे पास नहीं है। और इसलिए मैं 2004 से कहता था, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, कहता था तो कुछ लोग मुझे बोलते थे क्या यार ये इथेनॉल इथेनॉल बोलता है। मैं बोलता हूं अरे ये देश के किसानों का भला नहीं होगा तो ये देश कहां जाएगा। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, किसानों के बेटों को रोजगार देना है, गांव को समृद्ध संपन्न बनाना है, किसानों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना है, तो किसानों की शक्ति बढ़ानी है तो किसानों को ऊर्जा अन्नदाता के बजाय साथ साथ ऊर्जादाता बनाना होगा। अब पहली बात हमारे सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने निर्णय किया, अटल जी की सरकार ने निर्णय किया कि हम पेट्रोल में इथेनॉल डालेंगे। बहुत लड़ते रहे हम लोग, अटल जी ने शुरुआत की, बाद में यूपीए की सरकार आई उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि पेट्रोल की लॉबी जोरदार थी। फिर 2014 में जब हमारी सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में तो हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाई, और आज मुझे खुशी हो रही कि पिछले साल हमने 465 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदी किया, और सबसे ज्यादा इथेनॉल खरीदी किया उत्तर प्रदेश से राणा जी, और किसानों को राहत दी। इथेनॉल जब हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालेंगे तो हमारी जरूरत है 1,000 करोड़ लीटर की। अब मैंने नई बात की है, मैं कल फाइल पर साइन करके आया हूं, अब 2 दिन में ऑर्डर निकलेगा। जरा शांति से समझ लेना, नहीं समझ जाओगे तो फिर ये संजीव जी को राणा जी को पूछना कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है। बहन और भाइयों, ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में, अमेरिका में यही टोयोटा, होंडा, फोर्ड, हुंडई, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इनकी सबकी जो पेट्रोल की गाड़ियां चलने वाली है, ये गाड़ियों को फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन, फ्लेक्स इंजन का मतलब यही होता है कि तुम्हारे गाड़ी में तुम 100% पेट्रोल डालो और या 100% किसानों ने तैयार किया हुआ बायो इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू जो है, 1 लीटर इथेनॉल उसके बराबर में 800 ml पेट्रोल, क्योंकि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है। पर मैंने रशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई है, मैंने पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को प्रेजेंटेशन दिया है, और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इथेनॉल को एक मशीन में घुमाकर एक एडिटिव ऐड करके जितनी पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू है उतनी इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू होगी। इसका मतलब 1 लीटर में जितने किलोमीटर पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी उतने ही किलोमीटर इथेनॉल पर चलेगी। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा, कोविड के कारण वो साइंटिस्ट आ नहीं पा रहे, 15 दिन में आ रहे, मैंने वो एक्सपेरिमेंट देखा है, सरकार उसमें अगर अप्रूवल हुआ तो स्वीकार करेगी। अब इसमें क्या हुआ, मैं पीछे पड़ा हूं, मैं लगाता रहा यू इथेनॉल के पीछे पड़ा ही रहता हूं, तो बजाज स्कूटर मालूम है ना आपको, टीवीएस और बजाज मोटरसाइकिल स्कूटर, ये 2 कंपनी के मालिक मेरे पास आए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो बोल रहा हूँ अथोराइज बोल रहा हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, इसलिए मैं कोई नेता जैसा भाषण नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को ठीक समझ लेना। तो मैंने दोनों को कहा कि तुम जब तक फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार नहीं करेंगे मेरे घर पे नहीं आना, मैं कोई काम नहीं करूँगा।
मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ बल्याण जी, यहाँ पेट्रोल पंप फिलहाल के खोल दो। भारत सरकार ने परमिशन दी है इथेनॉल के पंप पेट्रोल और डीजल के साथ खोलने की परमिशन भारत सरकार ने दी है, और अब बजाज और टीवीएस कंपनी ने अपने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल स्कूटर लॉन्च की है। अब 120 रुपए लीटर का पेट्रोल लेने के बजाय किसानों ने तैयार किया 62 रुपए लीटर का इथेनॉल डालो और मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा चलाओ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस ग्रीन फ्यूल, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, इसका पोल्यूशन नहीं होता, और इसलिए अब इथेनॉल की रिक्वायरमेंट लगेगी 4,000 करोड़ लीटर। उत्तर प्रदेश में आपने कितनी दी? 55 करोड़ लीटर। नहीं, आपने कितना इथेनॉल दिया अभी तक? नहीं, 100 करोड़ दिया। अभी 100 करोड़ लीटर जो है वो उत्तर प्रदेश ने दिया, ऐसा राणा जी मुझे बता रहे हैं। अभी आपने नई टेक्नोलॉजी लाई कि गन्ने के जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनेगा। फिर दूसरी टेक्नोलॉजी लाई कि आप जिसको शीरा कहते हैं, हम जिसको मोलासेस कहते हैं, वो सी मोलासेस, यानी 1 टन गन्ने से 4% मोलासेस निकलता है, उसको सी मोलासेस कहते हैं। अब हमने बी हेवी मोलासेस लाया, उसका भी रेट दिया इथेनॉल का 58 रुपए लीटर। बी हेवी मोलासेस यानी जो हमारी शुगर है 11.5% निकलती है 1 टन गन्ने में, और 4% मोलासेस में शुगर जाती है, तो हम 3% और उसमें गुजार रहे हैं, तो 7% शुगर मोलासेस में जाएगी, जितना शुगर का प्रोडक्शन कम होगा और इथेनॉल ज्यादा बनेगा। तो आज ये अलाउ किया है, शुगर फैक्ट्री ने टेक्नोलॉजी लाई है, ये शुरू हो गया है। और उसके बाद हमने और एक निर्णय किया किसानों के हितों के लिए कि अब राइस से, कॉर्न से, कोई भी फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा। जो राइस में आपके यहाँ तो बासमती राइस बनता है, हमारे इधर तो राइस बहुत हम साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं 14 रुपए किलो, बिहार में, बंगाल में हमारा राइस बहुत घटिया क्वालिटी का पर सस्ता है। तो अब अलाउ किया कि राइस कट जिसको बोलता है, राइस के कट को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? कणी, चावल को कटी हुई कणकी, कणकी। तो 1 टन कणकी से 480 लीटर इथेनॉल तैयार होता है, और भारत सरकार ने इस देश में 350 डिस्टिलरी को अनुमति दी है कि जो चावल से इथेनॉल बनाएंगे, ताकि चावल को भी अच्छा भाव मिलेगा। आपको पता होगा कॉर्न की प्राइस, मक्के की प्राइस हमारी एमएसपी से भी मार्केट की प्राइस डाउन हो गई थी। हम एमएसपी बढ़ा रहे, 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने किसानों के लिए दिए, क्योंकि एमएसपी के नीचे भाव गए, पर बहनों और भाइयों अगर इथेनॉल बनाएंगे तो एमएसपी के ऊपर भाव जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई। और दूसरी बात, हमने आसाम में एक नया इथेनॉल का प्लांट इंडियन ऑयल ने डाला है, और वो प्लांट है सेकंड जनरेशन इथेनॉल, यानी जो बायोमास है कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, परली बगास, यानी क्या बोलते हैं इसको, बगास कोई कोई कोई, अब इससे भी इथेनॉल बनना शुरू हुआ है, बांबू से भी बनेगा। और ये इथेनॉल से ब्राजील में बायोप्लास्टिक बना है, ये मर्सिडीज गाड़ी में जो लगा है सामने बोर्ड प्लास्टिक का, ये इथेनॉल से बना है, बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये इथेनॉल से ये प्लास्टिक बनेगा। प्लास्टिक बनने के बाद फेंक देना जमीन पर, मिट्टी हो जाएगी। ये किसान प्लास्टिक बनाएगा, किसान इथेनॉल बनाएगा, किसान बायो सीएनजी बनाएगा, किसान बिजली बनाएगा, तो किसान जिंदा रहेगा, और चावल और गेहूं लगाते रहेगा तो कोई भी पार्टी की सरकार हो, एक दिन सबकी पिटाई होने वाली है, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको और एक बात कहूंगा, बल्याण जी और राणा जी, किसानों के बारे में ज्यादा बोलूंगा। बहनों और भाइयों, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है,
आलू सस्ता है, चिप्स महंगे हैं, बहन जी स्क्रीन लग रही है आप लोग, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। हमारे देश में किसान जो उपज को तैयार करता है उसको जो भाव मिलना चाहिए वो भाव बढ़ नहीं रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इकोनॉमी को जानते हैं, अर्थशास्त्र को जानते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई की बात को उनको समझना होगा। हमारे देश में गेहूं सरप्लस है, हमारे देश में चावल सरप्लस है, 350,000 टन चावल गोदाम में पड़ा है। हम पूरे विश्व को चावल सप्लाई कर सकते हैं, इतनी चावल है। हमारे देश में चीनी सरप्लस है, हमारे देश में 310,000 टन चीनी का उत्पादन होता है, हमारे देश की रिक्वायरमेंट 240,000 टन चीनी की है और हमारे देश में 70,000 टन चीनी ज्यादा की तैयार होती है। पिछले के पिछले साल हमारे गन्ना उत्पादक किसानों को भाव मिले, गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान मिले, चीनी मिले, दिवाला पिटने की कगार पर खड़ी थी, तब भारत सरकार ने यह निर्णय किया। मैं हमारे राणा जी का अभिनंदन करूंगा कि उस समय गन्ना उत्पादक किसानों को बहुत बड़ी समस्या थी कि उनको भुगतान नहीं मिल रहा। आप शांति से बैठिए। तो पहली बात यह है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। पहली बात यह है कि आप इस बात को समझ लो जो मैं समझ रहा हूं। मैं केवल राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैंने इस देश में इथेनॉल की बात 2004 से की है और इसलिए पूरी इकोनॉमिक्स आप नहीं समझोगे तो किसानों का भविष्य नहीं बदल पाएगा। कुछ ज्यादा ही बैंटी डाउन है आज, क्या बात है भाई। आज हमारे लिए दो महत्वपूर्ण बात है। एक आदरणीय चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती है आज और उस जयंती के उपलक्ष्य में किसानों की सोच रखने वाले, किसानों के लिए काम करने वाले और इस मुजफ्फरनगर जनपद में आजादी के बाद किसी विभाग ने इतना काम नहीं किया। विकास पुरुष आदरणीय नितिन गडकरी हमारे बीच में हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो माननीय नितिन गडकरी जी का। मेरे मित्र गाजियाबाद सांसद, इसी विभाग में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, थाना भवन से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी के, शामली से माड़ा एक नेशनल हाईवे बन रहा है, उसको बढ़ा के अगर मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली तक लाया जाएगा तो खतौली से आगे फिर मेरठ होते हुए हम गंगा एक्सप्रेस वे जुड़ जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं आप गोरखपुर और आगे तक, जहाँ तक गंगा एक्सप्रेस वे जाता है, और हरियाणा के अम्बाड़ा से जुड़ेंगे और आगे जुड़ जाएंगे। तो इस नए हाईवे की घोषणा हुई है, एक नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को आज और मिला है। एक पीना बाईपास हमारा 300 करोड़ रुपये का 10 किलोमीटर का जो बनना है, नए पुल, नया सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण होना है, उसकी घोषणा हुई है। और NH पे मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में जो काम अधूरे हैं पुल, उनकी घोषणा आज हुई है। और साथ के साथ सुकरतेवाल से लेकर और हरियाणा तक एक नया नेशनल हाईवे, उसके बारे में उन्होंने आश्वासित किया है कि इसको हम भारतमाला प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, गडकरी जी ने इथेनॉल के लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कैसे कामयाब? देखिए, इथेनॉल जो पॉलिसी बनी है वो गडकरी जी की देन है। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का इस पॉलिसी पर मौका मिला है। भविष्य देश का इसी में ही है कि जो हम 8,00,000 करोड़ का तेल इम्पोर्ट करते हैं, ये कमी करके किस तरह से पैसा किसानों के पास तक जाए, यही सरकार की सोच है। योजना धरातल पर आ चुकी है, 10% इथेनॉल मिलना हो चुका है, 2025 तक 20% इथेनॉल पर हम जाएंगे। आम जन को अब जब भी चाहे कोई भी इथेनॉल का पंप लगा सकता है, आ चुके हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी और मुझे लगता है बहुत जल्दी हर शहर में आपको देखने को मिलेगा। और आशीर्वाद लेकर के लोगों का, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एक यात्रा अखिलेश जी भी निकाल रहे हैं और वो यात्रा देख करके वही याद आती है जो 2013 का दंगा, हजारों लोगों के खिलाफ झूठी FIR, कत्लेआम, सहारनपुर जला दिया गया, मुजफ्फरनगर जला दिया गया, कैराना से पलायन हुआ, कांधला से पलायन हुआ, दिन में
कार्बाइन की तड़तड़ाहट गूंजती थी, व्यापारियों की हत्या होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, बहनें स्कूल जाने से डरती थी, किसान खेत में जाने से डरता था। ये दूसरी यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा, ये वो यात्रा है जो आशीर्वाद दे रही है मोदी जी और योगी को, और कह रही है कि आप जब से आए हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था शानदार है, किसान खेत में जाता है तो डर नहीं लगता, बहनें स्कूल जाती हैं तो डर नहीं लगता, व्यापारी व्यापार करता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई रंगदारी मान ले, और उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ कर ले। हमारी यात्रा उसका प्रतीक है। और आपने देखा होगा कल ही थाना वन क्षेत्र में यात्रा थी, रात के 9 बजे हजारों ट्रैक्टरों से ज्यादा सवार होकर के किसान पूरे उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में थी एक दिन पहले, कितना भारी जनसैलाब मुजफ्फरनगर की सड़कों पर उमड़ा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह जनसैलाब उमड़ रहा है, ये उस ओर इशारा है कि 2022 में पहले से बड़े बहुमत के साथ योगी जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों में 90 से ज्यादा चीनी मिलें 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही हैं। बजाज शामिल है, और हमने लगातार तीन ग्रुप हैं, चाहे बजाज हो, चाहे मोदी हो, चाहे सिंभावली हो, तीन ग्रुप की 15-16 मिले जहां जरा भी भुगतान में कठिनाई है उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई हमने की है और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने 1,49,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान 5 साल में किया है, जो अखिलेश यादव के 5 साल और मायावती जी के 5 साल दोनों के 10 साल मिलाकर के भी उनसे ज़्यादा है। जो बची हैं उन पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। और आज आपने सुना भी होगा, गडकरी जी ने अपने भाषण में चर्चा भी की कि तकनीक के साथ हमने मिलों को जोड़ा है और आगे से सुगमता का रास्ता, एथनॉल में एक भी शुगर मिल योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बंद नहीं होने दी, मंसूरपुर की चीनी मिल 22 जून तक चली, किसानों को सुगम रास्ता और किसानों की तरक्की के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगी हुई है। और आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से कि जहां भी लगता है कि कहीं कोताही है उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। 2022 में मुद्दे क्या रहेंगे, क्या मुजफ्फरनगर दंगा रहेगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर। आज गडकरी जी आए थे मुजफ्फरनगर, क्या क्या यहां पे प्रोग्राम रहे, क्या शिलान्यास कर रहे? आदरणीय नितिन गडकरी जी का मुजफ्फरनगर ने और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया है, और सभी लोगों ने इस बात की बधाई दी है कि उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है और योगी आदित्यनाथ जी की तमाम योजनाओं को उत्तर प्रदेश में सड़कों के रूप में पूरा करने का काम किया है, तो हम सब ने उनका अभिनंदन किया है। और मुजफ्फरनगर जनपद और शामली जनपद के लिए कई सड़कों का आज उन्होंने लोकार्पण किया है। आपने सुकरताल से थानावन के लिए रोड का भी उपयोग? नहीं, हमने उनसे निवेदन किया है कि सुकरताल से लेकर के वाया थानावन निकाल करके जो मेरठ करनाल मार्ग है उसमें यदि NH1 हम बना दें तो लगभग 65 किलोमीटर का या NH70 किलोमीटर का बनता है, एक बड़ा लाभ हो जाएगा। सुकरताल धार्मिक रूप से बड़ी नगरी है और वहाँ से लेकर के करनाल मार्ग में जब हम मिल जाएंगे तो पूरा थाना भवन, पूरा बिरालसी होते हुए मार्ग जाएगा, तो लाखों लोगों का इसका फायदा होगा। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसकी अनुमति दी है। इथेनॉल पे जोर दिया है, इथेनॉल किस तरह से इसका होगा? अभी आपने सुना होगा, मैं तो अभिनंदन उनका करूँगा कि मंच से ही उन्होंने उत्तर प्रदेश को धन्यवाद दिया है कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 उत्पादक है एथेनॉल का। 99 करोड़ लीटर हम साल में एथेनॉल बना रहे हैं, और जो जो भी योजनाएं किसान के हित में हैं, किसान को आगे बढ़ाने में हैं, हमने उत्तर प्रदेश में 55 चीनी मिलों को सीधे एथेनॉल के साथ जोड़ा है। एथेनॉल उत्पादन में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, भारत सरकार की तमाम पॉलिसियों का हमने अनुपालन किया है, और मैं कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, माने प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उस सपने पर उत्तर प्रदेश बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, आपके केंद्रीय मंत्री हैं, नहीं, मैं केवल इतना कहूँगा कि देखिए इस प्रकार के जो भी विषय, और लगातार आपने देखा होगा कि लखीमपुर का जो विषय हुआ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को सबसे पहले फोकस करते हैं, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति हो, कानून अपना काम करता है, SIT बनी है और तमाम प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कानून के मार्ग में कोई बाधा आज उत्तर प्रदेश सरकार के समय नहीं है। नहीं, जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, मैं केवल इतना कहूँगा कि हमारी यात्रा है
जन विश्वास यात्रा। और